राजाराट आईनॉक्स में आप पहुंचा हूं, जहां पर आज पूरी की पूरी स्टार कास्ट आई हुई है। मूवी का नाम है अजब गजब लव। इस वक्त पूरी की पूरी स्टार कास्ट मेरे साथ है, उनके साथ एक एक करके हम बातें करेंगे। इस वक्त हमारे साथ नन अदर देन एक्टर जैकी भगनानी, उनके साथ हमारी बात हुई। जैकी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेड एफएम पे। थैंक यू सो मच अनिमेश, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मुझे, अब मैं आगे और क्या कहूँ। नहीं, आपको अभी बहुत कुछ कहना है क्योंकि कोलकाता के लोग आपको सुनना चाहते हैं। सुबह से ही हमने फेसबुक पर एक कॉन्टेस्ट खेला था, कहा था कि जैकी के साथ हमारी बातें होगी, उनके भी दो तीन सवाल है, वो भी आपसे पूछना है। सबसे पहले जानना चाहूँगा कैसा लग रहा है कोलकाता? बहुत अच्छा लग रहा है। अमार जन्मस्थान कोलकाता, अमार कोलकाता छेले, आमी कोलकाता छेले। या मैं झूठ क्यों बोलूंगा, वो भी रेडियो पे। अनिमेश, आप मुझे लगा बंगाली में बोल रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो फिर मैं कहूंगा कि आमी तुम्हारे बालो भाषी। तब तो जरूर जानना चाहेंगे आपसे। एक्चुअली मैं 3 साल का था जब यहाँ से मैं चला गया मुंबई, तो मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है, बिकॉज मैं खाली छुट्टियों में फिर आता था। मेरे चाचा जी अभी भी यहाँ रहते हैं, बट रोलिन रोड में हमारा घर था। और मुझे पार्क स्ट्रीट के पुचके, रसल रोड की सॉरी, पुचके और पार्क स्ट्रीट का जो चिकन रोल है और रसगुल्ला और मिष्टी दोई और सौंदेश, मुंह में पानी आ रहा है। बट आजकल ये जो 8-pack मेरा फेमस हो गया है, उसकी वजह से मैं कुछ खा पी पा नहीं रहा हूँ, बिकॉज जा जाऊँ लोग फिल्म से पहले तो 8-pack दिखाने को बोलते हैं। बट इट्स बीन अ हैप्पी जर्नी एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी इन कोलकाता। एंड कोलकाता, प्लीज गो एंड वॉच माई फिल्म ऑन 24th October। मैं जानना चाहूँगा, दशमी के दिन मूवी रिलीज हो रही है, जानना चाहूँगा इस मूवी के बारे में अगर आपको कुछ कहना हो। इस मूवी के बारे में मैं ये कहूँगा कि इस फिल्म का नाम है अजब गजब लव, जो 24 अक्टूबर को आ रही है, और हम सब बहुत एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर, क्योंकि ये फिल्म हमने बहुत प्यार से बनाई है, मिलजुल कर, एकजुट होकर। एंड आई एम जस्ट रियली हैप्पी दैट दिस फिल्म इज रिलीजिंग फाइनली। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लव स्टोरी, इट्स अ रोम कॉम, लॉट्स ऑफ कॉमेडी, लॉट्स ऑफ रोमांस। जनरली लाइफ में हम बहुत सफेद झूठ बोलते हैं, बट इसमें एक ऐसा झूठ है जो उल्टा बोला गया है। ये लड़का बहुत अमीर है, लेकिन लड़की को बोलता है कि वो बहुत गरीब है, क्योंकि लड़की को अमीर आदमी पसंद नहीं है। और कैसे उस दौरान जो कॉमेडी होती है, उसके बारे में ये फिल्म। क्या कि आपसे और भी बहुत सारे सवाल पूछने, सबसे पहले जानना चाहूँगा, संजना नाम की हमारी एक फेसबुक पे हमारी रेड एफएम की लिसनर है, जिन्होंने फेसबुक पर आपसे एक सवाल पूछा है, कितना टफ था आपके लिए ये जो डांस है जो हिट हो चुका है, मूवी की हम बातें करें तो बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, मैंने इसका मेकिंग भी देखा था, बहुत ही अच्छा लगा था वो देखने में, कितना मेहनत आपने किया है वो मेकिंग को देख कर समझ में आ रहा है। संजना को आप हाय कहते हैं और प्लीज़ बताएं कितना टफ था और वो एक्सपीरियंस कैसा था। हेलो संजना, लॉट्स ऑफ लव टू यू, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई डांस एंड माई सॉन्ग। डिफिकल्ट, ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट था, बट मज़ा बहुत आया बिकॉज आई लव डांसिंग। और मैंने एक मिशन के तरह इसे ले लिया था कि मुझे करना ही है, और बॉस को ने कहा कि अगर तू ये स्टेप्स कर लेगा तो लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो यस, मैंने मेहनत बहुत की, बट इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है बॉस को, सीजर को, बिकॉज उन्होंने चाबुक लेकर मेरे से डांस करवाया। तो थैंक यू सो मच बॉस को, थैंक यू सो मच संजय गढ़वी, एंड थैंक यू सो मच वाशु भगनानी फॉर टेकिंग अस टू इटली द लोकेशंस, एंड थैंक यू सो मच निधि सुबेया फॉर सपोर्टिंग मी बिहाइंड द कैमरा। वेल, अब हम बातें करेंगे एक्ट्रेस निधि के बारे में और डायरेक्टर साहब के बारे में, संजय के बारे में फ्यू वर्ड्स एंड फ्यू वर्ड्स फॉर निधि। संजय सर के बारे में मैं जितना कम कहूँ उतना अच्छा है, बिकॉज ही इज़ अ सुपर डायरेक्टर, उन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी है। प्रोमो लेवल पे लोगों को लग रहा है कि यू नो मेरी कॉमेडी टाइमिंग अच्छी हो गई है, मेरी एक्टिंग अच्छी हो गई है। सो मैं एज एन एक्टर ज़्यादा कुछ मांग नहीं सकता, आई एम जस्ट हम्बल। ही इज चेंज द लॉट ऑफ पीपल्स लाइफ इन धूम एंड धूम टू, एंड आई होप आई एम यू नो आई रिपीट हिस्ट्री विद हिम। एज फार एज निधि सुबेया इज कंसर्न, शी इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स नाउ, माई बेस्ट कोस्टार आई एवर वर्क विद, वन ऑफ द प्रीटीस्ट लुकिंग गर्ल, she's an amazing singer and she's a superb actress and I think she's here to stay. क्या बात है, आखिरी दो सवाल आपसे पूछूंगा। दुर्गा पूजा बहुत नजदीक है, दिवाली बहुत नजदीक है, क्या मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि कालीघाट में मेरा बहुत विश्वास है। हर ट्यूजडे मेरे डैड जाते थे जब वो यहाँ रहते थे, माई डैड फ्रॉम हियर एंड ही ब्रॉट अप हियर, और वहाँ का जो पेड़ा है, वो पेड़ा जो है, मतलब मैं 4-4 kg वापस लेके जाता था बॉम्बे, और मेरी बहुत मान्यता है उधर, मैं जब भी जाता हूँ मैं एकदम नाखुश हूँ कि मैं बिना दर्शन करे जा रहा हूँ, लेकिन आज ट्यूसडे है। तो जो भी सुन रहा है और जो भी जा रहा है, प्लीज़ मेरे तरफ से प्रे करना और अजब गजब लव के लिए प्रे करना। हाय, मैं हूँ जैकी भगनानी एंड आई वुड लाइक टू विश ऑल द लिसनर्स ऑफ 93.5 रेड एफएम अ वेरी वेरी हैप्पी दुर्गा पूजा। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, आईनॉक्स में हम आए हुए हैं राजाराट में, जहां पर आज बस थोड़ी देर में केक कटिंग होने वाली, 3 साल आईनॉक्स ने कंप्लीट कर लिया, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? आई वुड लाइक टू विश आईनॉक्स अ वेरी वेरी हैप्पी 3rd birthday, और आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट चेन्स इन इंडिया एंड आई थिंक दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, दे आर अमेजिंग मल्टीप्लेक्सेस, एंड जस्ट कीप अप द गुड वर्क एंड वी विल बी कमिंग एवरी नाउ एंड देन।
थैंक यू सो मच जैकी, हमारे साथ बातें करने के लिए। आशा करेंगे कि आपकी मूवीज बहुत 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 बड़ी हिट हो। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू सो मच अनिमेश। हमारे साथ थे नन अदर देन एक्टर जैकी बगनानी, जिनके साथ हमारी लाइव ऑन एयर बातें हो रही थी इस वक्त रेड एफएम पे। मैं अनिमेश रिपोर्ट कर रहा हूँ इस वक्त राजाराट आईनॉक्स से, जहाँ पर आज प्रेस मीट हुई है। मूवी का नाम है अजब गजब लव। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो।